हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास सिक्स सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर फोर एंड टॉपिक एक्सप्लोरिंग विंडोज एंड मोर। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स। फर्स्ट अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड यूज द स्टार्ट मेन्यू, थर्ड मैनेजिंग द विंडोज डेस्कटॉप, फोर्थ टेकिंग केयर ऑफ द कंप्यूटर एंड नंबर फिफ्थ यूजिंग एन एंटी वायरस। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओनली फर्स्ट टू टॉपिक्स। फर्स्ट अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स what is an operating system, what are their use, and about windows and history of windows operating system. Second topic, use the start menu, how to open start menu, what is their use, and right pane of start menu, etc. Let us continue with first topic, and first topic is about the operating system. Operating system. An operating system provides an interface between the user and the computer. It also handles the files and folders, the computer components, CPU, memory, and external devices connected to the computer, printers, CD drive, etc., and any other application you run on the computer. Dear students, it means एक operating system computer और user के बीच में work करने के लिए एक interface को provide करता है, या आप यूं कह सकते हैं कि operating system की मदद से ही हम computer में work करते हैं. It also handles the files and folders. और साथ में यह क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, ये इन सबको हैंडल करता है. और साथ में कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया या अन्य कोई कंपोनेंट्स, इनको भी हैंडल करता है. और इसकी जो एक्सटर्नल डिवाइसेज होती है या जो एक्सटर्नल डिवाइसेज इसके साथ कनेक्ट होती है, जैसे प्रिंटर हो गया आपका, सीडी ड्राइव हो गया या अन्य कोई डिवाइस, इनको भी ये कंट्रोल करता है, इनको ये हैंडल करता है. और साथ ही साथ अन्य इसके अंदर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ये इनको भी रन कराने में हेल्प करता है. या आप यूं कह सकते हैं कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर में वर्क नहीं कर सकते हैं, या हमें क्या करता है, कंप्यूटर में हमारे वर्क को कराने के लिए हमारी हेल्प करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपके लिनक्स हो गया, मैक हो गया और विंडोज हो गया. विंडोज, अब बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की. इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ आइकन्स, फाइल्स एंड मेन्यूज ऑन विच अ यूजर कैन सिंपली क्लिक टू मेक देम वर्क. मीन्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें हम वर्क करते हैं किसकी मदद से, आइकन्स, फाइल्स एंड मेन्यूज की मदद से. कैसे, सिंपली क्लिक करके, या आप यूं कह सकते हैं कि विंडोज की मदद से हम कंप्यूटर में आसानी से वर्क कर सकते हैं. और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रखा गया है. Now, history of the Windows operating system. The Windows operating system also has an evolution history. The various versions of Windows operating system are, dear students, Windows operating system में day by day कई सारे changes होते रहते हैं, और ये नए नए versions में हमारे सामने आते रहते हैं. इनमें से
कुछ विंडोज के जो वर्जन्स हैं उनके बारे में यहां पे हम बात करेंगे। सबसे पहले विंडोज 1.0 1985 में रिलीज्ड हुआ, यानी आप यूं कह सकते हैं कि हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है यह सबसे पहले कौन सा था, विंडोज 1.0, और यह कब रिलीज हुआ आपका 1985 में। इसके बाद विंडोज 2.0 1987 में, विंडोज 3.0 1990 में, इसके बाद विंडोज एनटी 1993 में, यानी विंडोज इसको विंडोज एनटी को डेवलप किया गया था नेटवर्किंग सिस्टम के लिए। इसके बाद विंडोज 1995 में, विंडोज 98 1998 में, विंडोज मिलेनियम 2000 में, विंडोज एक्सपी 2001 में, विंडोज विस्टा 2007 में, विंडोज 7 2009 में, विंडोज 8 2012 में और विंडोज 10 2015 में। तो आप यूं कह सकते हैं कि विंडोज 1.0 से लेकर आज की डेट में विंडोज 10, ये सारे क्या हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स हैं। और एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वह है आपके विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10। विंडोज 7, डियर स्टूडेंट, विंडोज 7 में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी मदद से हम इसमें आसानी से वर्क करते हैं, या आप यू कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास नए नए फीचर्स हैं। जैसे इसमें हम जो है टच के थ्रू वर्क कर सकते हैं, स्पीच के थ्रू, और इसमें आपका हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन भी होगा, और जो क्या करता है, सपोर्ट करता है किसको, एडिशनल फाइल फॉर्मेट्स को। विंडोज 7 के कुछ इसके फीचर्स हैं या कुछ इसके आपके जो है क्या कहेंगे इसको जो है इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे विंडोज 7 प्रोफेशनल, विंडोज 7 इंटरप्राइज, विंडोज 7 अल्टीमेट एंड विंडोज 7 होम प्रीमियम। फ्रेंड्स, विंडोज 8 क्या है, विंडोज 7 का अपग्रेड वर्जन है। इसमें कुछ और एडवांस फीचर को ऐड किया गया है, जैसे यह मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आप यूं कह सकते हैं इसमें हम मोबाइल के थ्रू भी हम इसमें काम कर सकते हैं इसमें, और इसका जो डेस्कटॉप है इसको रिप्लेस किया गया है किससे, होम स्क्रीन से, और जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से आप अपने जो आपके जो प्रोग्राम्स हैं इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कोई आपके आइकन्स नहीं होंगे जैसे किसमें थे आपके विंडोज 7 में, इसमें हम बिना आइकन्स के हम इसमें वर्क कर सकते हैं, और सिंपली हम क्या करेंगे इसमें इसके जो टाइल्स हैं इनको सिंपली हम क्लिक करके हम इनको ओपन करते हैं, और इनके जो प्रोग्राम्स होते हैं हम इनमें वर्क कर सकते हैं किसमें, विंडोज 8 में। विंडोज 10, डियर स्टूडेंट्स, विंडोज 10 इज द लेटेस्ट रिलीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सक्सेसर टू अंडरवेलमिंग विंडोज 8 रिलीज इन जुलाई 15। इट मीन्स विंडोज 10 क्या है, लेटेस्ट वर्जन है या लेटेस्ट रिलीज है किसका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इसको और आगे किया गया किससे, विंडोज 8 के, और इसको कब रिलीज किया गया था आपका, जुलाई 15 में। विंडोज 10 आल्सो ब्रॉट बैक टू द विंडोज 7 स्टाइल स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू, मीन्स जिस प्रकार से विंडोज 7 में स्टार्ट बटन थे और स्टार्ट मेन्यू था, इन फीचर्स को भी विंडोज 10 में ऐड किया गया है। साथ ही साथ इट ऑटोमेटिकली सेंस दैट इज टू लोकेटेड ऑन ए पीसी और टच डिवाइसेस, और यह क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है सेंस करता है किसमें, पीसी और किसी टच डिवाइस में। अकॉर्डिंग टू दैट इट शो टाइल्स ऑफ द क्लासिक डेस्कटॉप, और इसमें एक क्लासिक डेस्कटॉप भी दिया गया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो यानी आप कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आज की डेट में विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। विंडोज 7 में जो कुछ फीचर्स हैं उनको और एडवांस किया गया है विंडोज 8 में,
और विंडोज 8 के जो फीचर्स हैं उनको और एडवांस किया गया किसमें, विंडोज 10 में। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टॉपिक इज यूज द स्टार्ट मेन्यू। द स्टार्ट मेन्यू कंसिस्ट आइकन्स फॉर प्रोग्राम्स एंड फोल्डर एंड आल्सो एक्सेस वर्क विथ कंट्रोल फंक्शंस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेन्यू इज ऑल प्रोग्राम्स विच ओपन्स फर्दर मेन्यूज विद इन द स्टार्ट मेन्यू ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स हम कंप्यूटर में को में हम जो भी वर्क करते हैं या कंप्यूटर में हम जब कंप्यूटर को हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू का ही यूज किया जाता है। बिना स्टार्ट मेन्यू के हम कंप्यूटर के अंदर हम एंटर नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम कैसे वर्क कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ आइकन्स होंगे, कुछ फोल्डर्स होंगे, इनको ओपन करके इनको क्लिक करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम एक्सेस करते हैं या हमके जो वर्क होता है इसको हम एक्सेस करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेन्यू इज ऑल प्रोग्राम्स, और सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड मेन्यू है उसका क्या नाम है आपका, ऑल प्रोग्राम्स का है। विच ओपन्स फर्दर मेन्यूज विद इन द स्टार्ट मेन्यू ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। और इसी ऑल प्रोग्राम्स के अंदर कुछ अन्य मेन्यूज भी होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो अन्य जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको ओपन कराने में हमारी हेल्प करते हैं। या हम यू कह सकते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर जाना है, ये किसी प्रोग्राम को अगर हमें ओपन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू के जो ऑल प्रोग्राम्स होता है इसको हम ओपन करेंगे, उसके अंदर ही हमें क्या दिखेंगे, इसके जो सब प्रोग्राम्स हैं, इसके जो अन्य प्रोग्राम्स हैं वो हमें वर्क करने के लिए मिलेंगे। और तब हम क्या कर सकते हैं, इन प्रोग्राम्स में हम एंटर कर सकते हैं, किसकी मदद से, ऑल प्रोग्राम की मदद से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट राइट पेन ऑफ स्टार्ट मेन्यू कंटेंस। स्टार्ट मेन्यू के राइट हैंड साइड में एक पेन होता है और उसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ फोल्डर्स होते हैं, उनके बारे में यहां पे पढ़ेंगे। द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू कंटेंस लिंक्स टू पार्ट्स ऑफ विंडोज दैट यू आर लाइकली टू यूज फ्रीक्वेंटली। लेट अस नो अबाउट द लिंक्स और ऑप्शंस। मींस जो राइट पेन है स्टार्ट मेन्यू का, यह कई सारे लिंक्स को कंटेन करता है और जो आपके एक विंडोज के एक पार्ट है और जो हमें फ्रीक्वेंटली हमारी हेल्प करता है किसमें, कंप्यूटर के अंदर वर्क करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम इनके बारे में यहां पे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लर्न अबाउट राइट पेन ऑफ स्टार्ट मेन्यू विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने हमको एक स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू के जस्ट ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये और मिलेगा आपको यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स। और इस स्टार्ट मेन्यू के राइट हैंड साइड पे ये क्या है, इसका आपका ये राइट पेन ऑफ स्टार्ट मेन्यू है। इसके ऊपर सबसे पहले एक आपका है पर्सनल फोल्डर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पर्सनल फोल्डर, और इसमें यहाँ पे इसका क्या नाम आ रहा है आपका, ये गणपति एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब आपका पर्सनल फोल्डर क्या होता है, इट ओपन्स योर पर्सनल फोल्डर विच इज नेम्ड फॉर हूएवर इज करेंटली लॉग्ड ऑन टू विंडोज। मींस यह क्या करता है कि एट प्रेजेंट आप कंप्यूटर में किस यूजर का आप यूज कर रहे हैं, यानी अगर आपके कंप्यूटर में यूजर होते हैं और उनमें से आप किस यूजर में आप वर्क कर रहे हैं ये उसके बारे में जानकारी देता है। तो इस कंप्यूटर में क्या आपका, हमारे यहाँ पे यूजर कौन सा आपका, ये गणपति इंटरप्राइजेस है। तो ये क्या इसका ये यूजर है और यही क्या इसका ये पर्सनल फोल्डर है। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसमें आपका, ये डॉक्यूमेंट्स। ओपन्स द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर वेयर यू कैन स्टोर एंड ओपन टेक्स्ट फाइल्स
स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस एंड अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स क्या करता है, यह कंटेन करता है किसको, इसके अंदर हम जो टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, यानी कंप्यूटर में हम जो टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, यानी वर्ड की फाइल, नोटपैड की फाइल और साथ में स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल की फाइल, प्रेजेंटेशंस यानी पावर पॉइंट की फाइल और अन्य प्रकार के जो भी आप इसके अंदर वर्क करते हैं या जो भी इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स अगर आप बनाते हैं, यह सारे का कंटेंट्स होंगे आपके इस डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यू कैन सी हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स विद इन दिस डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर स्टार्ट मेन्यू राइट पेन ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें आपका पिक्चर फोल्डर। ओपन द पिक्चर्स फोल्डर वेयर यू कैन स्टोर एंड व्यू डिजिटल पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स फाइल्स। इट मीन्स यदि आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स है, कोई या डिजिटल कोई पिक्चर्स है या कोई ग्राफिक्स फाइल्स हैं, तो ये सारे हमें कहां कहां व्यू होंगे, इस पिक्चर्स वाले फोल्डर्स के अंदर। तो इस पे क्लिक करेंगे देन यू कैन सी हियर द डिफरेंट पिक्चर्स और डिफरेंट डिजिटल पिक्चर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इसमें आपका म्यूजिक फोल्डर। ओपन द म्यूजिक फोल्डर वेयर यू कैन स्टोर एंड प्ले म्यूजिक एंड अदर ऑडियो फाइल्स। यानी हमारे कंप्यूटर में जो भी म्यूजिक फोल्डर होंगे या जो भी म्यूजिक्स होगी या जो भी ऑडियो फाइल्स होगी या जो भी वीडियो फाइल्स होगी, वो कहां दिखेगी आपको, इस म्यूजिक वाले फोल्डर के अंदर। ये यहां पे ये आपका म्यूजिक फोल्डर ओपन हो रखा है और इसके अंदर आपके ये एक फोल्डर बना हुआ आपका ये सैंपल म्यूजिक। इसके अंदर इसके कुछ जो म्यूजिक फाइल्स हैं ये यहां पे ये डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी। तो क्या हो गया आपका ये म्यूजिक फोल्डर। नेक्स्ट इसमें आपका है गेम्स फोल्डर। ये क्या करता है, ओपन द गेम्स फोल्डर वेयर यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ द गेम्स ऑन योर कंप्यूटर। यानी आपके कंप्यूटर में यदि कोई गेम्स हैं या जितने प्रकार के भी गेम्स होंगे, ये सारे कहां होंगे आपके इस गेम्स वाले फोल्डर के अंदर होंगे। तो यहां पे ये गेम्स फोल्डर को ओपन किया गया है और इसके अंदर ये डिफरेंट काइंड्स के इसके अंदर ये गेम्स अवेलेबल हैं, यानी जो गेम्स इस कंप्यूटर में है वो यहां पे आपके ये डिस्प्ले हो रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं, इन गेम्स को आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं इसको प्ले करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आपका है कंप्यूटर फोल्डर। ओपन अ विंडो वेयर यू कैन एक्सेस डिस्क ड्राइव्स, कैमरास, प्रिंटर्स, स्कैनर्स एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। हम अगर इस कंप्यूटर को फोल्डर को अगर ओपन करेंगे तो ये हमें क्या दिखाएगा कि कंप्यूटर के अंदर कितनी ड्राइव्स वगैरह हैं, ठीक है, इन सब के बारे में यह क्या करेगा, हमें जानकारी देगा। और अन्य जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये सब कहां होंगे आपके, यहां पे आपको ये दिखाई देंगे आपको इस कंप्यूटर वाले फोल्डर के अंदर। तो ये आपका एक कंप्यूटर फोल्डर मेनली क्या शो करेगा, आपका डिस्क ड्राइव लाइक आपका लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, फिर आपका यहां पे डीवीडी, राइटर ड्राइव ऐप और अन्य इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट इसमें आपका है कंट्रोल पैनल। ओपन्स कंट्रोल पैनल वेयर यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस एंड फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर, ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, सेटअप नेटवर्क कनेक्शंस एंड मैनेज यूजर्स अकाउंट। या आप यूं कह सकते हैं कि कंट्रोल पैनल वाला जो फोल्डर है ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को आप मैनेज कर सकते हैं लाइक इसके अपीयरेंस को, और साथ के साथ आप इसमें किसी नए प्रोग्राम्स को आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर जो पहले से प्रोग्राम्स हैं इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। किसकी मदद से, कंट्रोल पैनल वाले आइकन्स की, कंट्रोल पैनल वाले फोल्डर की मदद से। इसमें आप जो इसका कीबोर्ड को आप सेट कर सकते हैं, इसके माउस को और अन्य जो इसके जो डिवाइस होती हैं जो इससे इसके साथ आपके अटैच्ड हैं, इन सबको आप यहां से मैनेज कर सकते हैं किसमें, कंट्रोल पैनल्स में। नेक्स्ट आपका इसमें डिवाइस एंड प्रिंटर्स। ओपन एंड शो ऑल द डिवाइसेस, प्रिंटर्स एंड फैक्सेस कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। यानी आपके कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस अटैच्ड हैं, यह क्या करेगा, इनके बारे में आपको जानकारी देगा। तो यहां पे आप देख रहे होंगे इसके अंदर आपका ये कीबोर्ड है,
फैक्स पे शो कर रहा है आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी डॉक्यूमेंट राइटर है और आपका यहाँ पे एक ये प्रिंटर की जैसा आपके यहाँ पे। तो अभी इस कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच्ड नहीं है इसलिए प्रिंटर को यहाँ पे ये शो अप नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका ये डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स फोल्डर। नेक्स्ट इसमें आपका है डिफॉल्ट प्रोग्राम्स। ओपन से विंडो वेयर यू कैन चूज विच डिफॉल्ट प्रोग्राम यू वांट विंडोज टू यूज फॉर एक्टिविटीज लाइक वेब ब्राउजिंग, एडिटिंग पिक्चर्स, सेंडिंग ईमेल एंड प्लेइंग म्यूजिक एंड वीडियोस। यानी आप डिफॉल्ट प्रोग्राम्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोग्राम का आप इसको डिफॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप कोई एक्टिविटी करेंगे लाइक आपका वेब ब्राउजिंग हो गया, एडिटिंग पिक्चर्स हो गया, सेंडिंग ईमेल्स हो गया और प्लेइंग म्यूजिक एक्सेट्रा। तो आप यहां से अपने किसी प्रोग्राम को आप यहां से डिफॉल्ट आप इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका है हेल्प एंड सपोर्ट। ओपन विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट वेयर यू कैन ब्राउज एंड सर्च हेल्प टॉपिक्स अबाउट यूजिंग विंडोज एंड यूअर कंप्यूटर। यानी आप इस फोल्डर की मदद से या आप हेल्प एंड सपोर्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के लिए कोई हेल्प आप इसमें ले सकते हैं कि कंप्यूटर में अगर माना कोई आपकी क्वेरी है और वह आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप इसमें इसके सर्च बॉक्स में उस क्वेरी को टाइप करके या उस क्वेश्चन को टाइप करके उसका आंसर यहां पे आप डिस्प्ले आपके पास हो जाएगा और आप उसकी मदद से इसमें आप वर्क कर सकते हैं। किसकी मदद से? हेल्प एंड सपोर्ट की मदद से। तो डियर स्टूडेंट्स ये सब क्या थे आपके राइट पेन थे किसके स्टार्ट मेन्यू के। ओके डियर स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 4 वी हैड लर्न अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज द स्टार्ट मेन्यू। डियर स्टूडेंट्स द रेस्ट ऑफ टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।